वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष परपानी। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो एमबीए करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, एमबीए करने के बाद मार्केट में जॉब्स, किस प्रकार के जॉब्स अवेलेबल है, इस बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए जो अपने ग्रेजुएशन के बाद MBA या PG करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप MBA करना सोच रहे हो तो यू शुड टारगेट ओनली Tier 1 इंस्टीट्यूट। इधर मैं आपको यह समझाने की ट्राई करूंगा कि मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो MBA की डिग्री ऑफर करते हैं। देर आर पार्ट टाइम MBA अवेलेबल, देर आर डिस्टेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल, देर आर सम PG कोर्सेज अवेलेबल एंड देर आर सम फुल टाइम MBA अवेलेबल। आई वुड से अगर आप MBA करके करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फुल टाइम MBA ही करना चाहिए। आप फुल टाइम MBA करते हो तो ही आपको एक अच्छा प्लेसमेंट MBA करने के बाद मिल सकता है। दोस्तों, MBA फुल टाइम करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जैसे CAT, CET एंड एक्सेट्रा। कोई कोई इंस्टीट्यूट अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो आपको वो इंस्टीट्यूट में जाना है तो वो इंस्टीट्यूट के लिए आपको स्पेसिफिकली एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। दोस्तों, आपको करना चाहिए फुल टाइम MBA, और फुल टाइम MBA भी आपको टारगेट करना चाहिए Tier 1 इंस्टीट्यूट में से। Tier 1 इंस्टीट्यूट हमारे देश में बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू Tier 2 एंड Tier 3। Tier 1 इंस्टीट्यूट वो है जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है मार्केट में, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है हमारे देश में, जिधर आप MBA करके टॉप कॉरपोरेट्स में जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों, Tier 2 इंस्टीट्यूट्स है जो Tier 1 से थोड़ी लोअर लेवल की होती है, इन टर्म्स ऑफ देयर रैंकिंग वो थोड़ी नीचे होती है, एंड Tier 3 है जो Tier 2 से भी अपने रैंकिंग में लो होती है। दोस्तों, तो आप Tier 1, Tier 2 या Tier 3 किसी भी इंस्टीट्यूट में से MBA करो, पर आप फुल टाइम MBA करने की कोशिश करो। दोस्तों, आपको हमेशा ही Tier 1 टारगेट करनी चाहिए। अगर आप Tier 1 टारगेट करोगे तो आप Tier 1 या Tier 2 में तो एडमिशन ले ही पाओगे। दोस्तों, MBA में आपको एंट्रेंस में बहुत जम के मेहनत करनी होती है। दोस्तों, स्कोर परसेंटाइल अर्न करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस और बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आप MBA इन मार्केटिंग करते हो या MBA इन HR करते हो या आप MBA इन फाइनेंस करते हो तो आपको क्या स्केल के जॉब मिलते हैं। अगर आप Tier 3 इंस्टीट्यूट में से अगर MBA करते हो तो आपका एवरेज सैलरी पैकेज कुड बी एनीवेयर इन बिटवीन 3 to 5 lakhs, जो बहुत ही कम है, 25-30-40 हज़ार। अगर आप Tier 2 में से MBA करते हो, Tier 2 इंस्टीट्यूट में से MBA करते हो, तो एवरेज पैकेज फॉल्स एनीवेयर इन बिटवीन 10 to 15 lakhs, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट। अगर आप Tier 1 में से MBA करते हो, Tier 1 इंस्टीट्यूट में से MBA करते हो, तो एवरेज पैकेज इज समवेयर इन बिटवीन 15 to 25 lakhs। IIM अहमदाबाद में अगर आप देखो तो 18 से 20 लाख रुपए का एवरेज पैकेज मिलता है। एवरेज पैकेज, मैक्सिमम पैकेज कैन गो टू 30-40-50 lakhs ऑल्सो एट टाइम्स इन एक्सेप्शनल केसेस, एंड मिनिमम पैकेज कैन ऑल्सो गो टू 15 lakhs। पर एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो Tier 1 में इट इज वेरी क्लोज टू 20 lakhs रुपीज पर एनम। Tier 1 में से अगर आप MBA करते हो दोस्तों, तो आपका करियर को स्टार्टिंग से ही एक अच्छा पेस मिल जाएगा। Tier 1 इंस्टीट्यूट हमारे देश में कम है, वी डोंट हैव नंबर ऑफ Tier 1 इंस्टीट्यूट। उधर जो CAT, CET जैसे एग्जाम्स में जो टॉप करते हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों में से कुछ हज़ार स्टूडेंट्स होते हैं जो Tier 1 में जा सकते हैं। दोस्तों, Tier 1 इंस्टीट्यूट्स का अगर मैं नाम आपको देना चाहूँ तो वो होगा IIM। IIM बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे IIM अहमदाबाद में है, IIM बैंगलोर में है, बहुत सारे सिटीज़ में IIM है। करीबन 8 से 9 IIM हमारे देश में मौजूद है। दोस्तों, सो IIM अहमदाबाद और एनी IIM इज अ Tier 1 इंस्टीट्यूट। MDI जो गुड़गांव में है, that is a Tier 1 institute. ISB Hyderabad is again a Tier 1 institute. XLRI Jamshedpur, Tier 1 institute. अगर आपको Tier 1, Tier 2 और Tier 3 इंस्टीट्यूट के बारे में ज्यादा जानकारी करनी है तो बहुत ही आसान काम है। आपको जस्ट गूगल करना है और आपको Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 20 स्कूल्स का लिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, तो बोलने का मतलब, माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपको MBA करना है तो आपको फुल टाइम MBA करना चाहिए, और अगर आप फुल टाइम MBA करने की सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली Tier 1 इंस्टीट्यूट टारगेट करनी चाहिए। अगर आप MBA इन मार्केटिंग करते हो तो आगे जाके आपको काम क्या मिलेगा, आगे आपको आगे जाके किस प्रकार की नौकरी मिलेगी,
क्या रोल्स अवेलेबल है मार्केट में, क्या किस प्रकार की जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आप MBA इन मार्केटिंग करते हो तो MBA करने के बाद आपको मार्केट में किस प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजर चंक ऑफ MBA स्टूडेंट्स दे डू स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। मेजॉरिटी ऑफ MBA स्टूडेंट्स जो रहते हैं उसमें एक बड़ा सा मेजर चंक का जो स्टूडेंट का पॉपुलेशन होता है वो MBA इन मार्केटिंग करता है। उसके बाद जो परसेंटेज होता है वो होता है फाइनेंस का, इन वेरी माइन्यूट एंड वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दे डू MBA नेचर। तो ज्यादातर लोग MBA इन मार्केटिंग करते हैं। MBA इन मार्केटिंग करने के बाद आपको बेसिकली दो डोमेन्स में नौकरियां मिल सकती है, एक है सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स डोमेन में एंड सेकेंड है मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग डोमेन में। सेल्स डिपार्टमेंट को हम लेते हैं, आइए डिस्कस करते हैं सेल्स में क्या क्या अलग प्रकार की नौकरियां, क्या क्या डेजिग्नेशन, क्या क्या रोल्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आपको जॉब मिल सकती है डायरेक्ट सेल्स में। डायरेक्ट सेल्स का मतलब ये होता है कि कंपनी डायरेक्टली अपनी टीम के द्वारा अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर को पहुंचाती है, वो हो जाता है डायरेक्ट सेल्स। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो वो होगा वाटर प्यूरीफायर का। हमारे घर आए दिन कोई ना कोई सेल्स पर्सन आके हमें वाटर प्यूरीफायर बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, ये होता है डायरेक्ट सेल्स। ये बंदे जो होते हैं वो कंपनी के पेरोल पे रहते हैं, दे वर्क ऑन द कंपनी पेरोल और ऑन द थर्ड पार्टी पेरोल, बट दे डायरेक्टली एंगेज विद द कंपनी टू सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। ये होता है डायरेक्ट सेल्स, जिधर कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को बेचती है। तो अगर आप MBA इन सेल्स MBA इन मार्केटिंग करते हो तो आपको डायरेक्ट सेल्स में नौकरी मिल सकती है। सेकेंड है चैनल सेल्स। अगर हम FMCG और FMCD इंडस्ट्री के बारे में बात करें, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगर ये इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो ये इंडस्ट्री होती है जो चैनल सेल्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को कस्टमर्स को बेचती है। अगर हम बात करें कोई FMCG कंपनी के बारे में, जैसे हो गया कोई कंपनी विच इज सेलिंग यू सम बिस्किट्स, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी आगे अपने स्टॉकिस को माल बेचती है, स्टॉकिस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के द्वारा वो प्रोडक्ट को एक जनरल स्टोर में अवेलेबल करता है दोस्तों। तो ये हो गया चैनल सेल्स। तो अगर आप ये कंपनी के साथ काम करते हो जो FMCG बिजनेस में है तो आपको चैनल सेल्स में काम करना है। इसका मतलब यह है कि आपका कस्टमर डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है, आपका कस्टमर एक डीलर या तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो वो प्रोडक्ट को एक रिटेल शॉप में बेचता है और वो रिटेलर आपका प्रोडक्ट एक अल्टीमेट एंड यूजर कंज्यूमर को बेचता है। तो आपको वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करना है कि लोकल मार्केट में आपका सेल बढ़े, आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़े, डिमांड बढ़े। तो आपको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करके आपको आपके टेरिटरी में सेल बढ़ाना होता है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करना होता है। इसे हम कहते हैं चैनल सेल्स। आप मेजॉरिटी ऑफ दी FMCG कंपनी ले लो तो दे हैव अ नेटवर्क ऑफ चैनल सेल्स। यू टेक एग्जांपल ऑफ कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, यू टेक एग्जांपल ऑफ ITC, आप कौन सी भी बड़ी FMCG कंपनी ले लो तो दे हैव चैनल सेल्स। तो आपको चैनल सेल्स में जॉब मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद आपको ट्रेड सेल्स में भी जॉब मिल सकती है। ट्रेड सेल का मतलब यह है कि आप एज अ की अकाउंट मैनेजर, एज अ सेल्स पर्सन, आप डायरेक्ट कस्टमर को आपका प्रोडक्ट इधर नहीं बेच रहे हो, आप एक ट्रेडर को प्रोडक्ट बेच रहे हो। इसमें अंतर यह है कि ट्रेडर आपसे माल खरीदता है और वो अपने कस्टमर बेस में अपना माल बेचता है। तो ये हो गया ट्रेड सेल। तो आप एक ट्रेडर से डील करते हो, आप एक कंज्यूमर से नहीं डील करते हो, आप वो ट्रेडर से डील करते हो जो एक वॉल्यूम एक बल्क में क्वांटिटी उठाए। तो आपको ट्रेड सेल्स में भी नौकरी मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेल्स के बारे में दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल सेल्स जो होता है वो एक अलग चैनल होता है जनरली एक कंपनी में। इस चैनल के द्वारा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को डायरेक्टली कोई इंस्टीट्यूशन को, मे बी इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मे बी इट्स अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, या तो एक कॉरपोरेट को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डायरेक्ट सेल करने की ट्राई करती है। तो उनके पास एक अलग चैनल होती है, लीविंग फ्रॉम देयर ऑर्थोडॉक्स डायरेक्ट सेल्स और देयर चैनल सेल्स, वो लोग के पास एक इंस्टीट्यूशनल सेल्स की टीम होती है जो वो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर
मेहनत करके अपनी प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को बेचने की कोशिश करती है। अब हम बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, आपको एमबीए करने के बाद बिजनेस डेवलपमेंट रोल में भी नौकरी मिल सकती है। बिजनेस डेवलपमेंट जो रोल होता है, इधर हम डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पिच नहीं करते हैं, हम बिजनेस में अपना एक नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू हमारा बिजनेस बढ़े। जैसे कि कोई एक बड़ी ब्रांड एक फ्रेंचाइजी बेचे, तो वो एक कॉन्सेप्ट सेलिंग करते हैं, वो एक फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं। दे सेल अ फ्रेंचाइजी, एंड फ्रेंचाइजी जैसे सेल होती है ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट और सर्विसेज का लिफ्टिंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट एक ऐसा रोल होता है जिसमें आपको जाके आपका बिजनेस नेटवर्क बढ़ाना होता है, आपको अलायंसेस बनानी होती है, आपको बिजनेस नेटवर्क्स बढ़ाने होते हैं, मेड बी थ्रू फ्रेंचाइजिंग बिजनेस और अदरवाइज। अगर आपको मैं एक बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल दूं, तो वो होगा ओयो रूम्स का। ओयो रूम्स के पास एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम है। ये बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जो काम करते हैं वो एमबीए मार्केटिंग होते हैं। वो जा करके होटेलियर्स को पकड़ पकड़ के उनके साथ टाइप करते हैं, वो उनसे उनकी इन्वेंट्री लेते हैं, सामने अपनी ब्रांडिंग देते हैं, वो दोनों मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक बिजनेस एसोसिएशन बीडी साइन करते हैं और वो एक बिजनेस रन करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, वो है ऑनलाइन सेल्स, डिजिटल सेल्स के डोमेन में। दोस्तों, जैसे आप देखते हो आजकल बहुत सारे मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है, वी हैव फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन एंड एक्सेट्रा। हर एक कंपनी के पास एक डेडिकेटेड टीम होती है जो ऑनलाइन सेल्स के ऊपर फोकस करती है। दे गेट एसोसिएटेड विद दीज मार्केट प्लेसेस एंड दे सेल देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विसेज। और कोई कोई कंपनी के पास अपनी खुद की भी वेबसाइट्स होती है जिसके ऊपर से वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। तो इधर जो सेल्स करते हैं वो ऑनलाइन सेल्स वर्टिकल में काम करते हैं। दोस्तों, तो आपको एमबीए मार्केटिंग करने के बाद डिजिटल बोले तो ऑनलाइन सेल्स में भी जॉब मिलने की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सेल्स के बाद एक लास्ट डोमेन जिसके बारे में मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, वो है रिटेल सेल्स। इन दिस फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है। दोस्तों, वी हैव कंपनीज लाइक फ्यूचर ग्रुप जिसके हजारों आउटलेट्स हैं हमारे देश में और हर एक आउटलेट की साइज बड़ी यूज होती है एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैन पावर टू डू काउंटर सेल्स एट देयर आउटलेट। हाउएवर, ये आउटलेट्स में जो जूनियर रोल्स में काम करते हैं वो एमबीएस नहीं होते हैं। दोस्तों, वो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट होते हैं, पर वो एक डिपार्टमेंट में जिसको हायर करते हैं, मे बी अ डिपार्टमेंटल मैनेजर, मे बी अ फ्लोर मैनेजर, मे बी एन ऑपरेशंस मैनेजर, ये सभी एमबीए पास आउट होते हैं। दोस्तों, तो एमबीए सेल्स करने के बाद आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो मैंने आपको डिटेल में समझाई है अभी। जब भी हम सेल्स जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स हायरार्की क्या होती है ये भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जो नेशनल लेवल पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो सेल्स हायरार्की होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। बॉटम ऑफ द पिरामिड में आप देख रहे हो टीएम, टीएम बोले तो टेरिटरी मैनेजर्स, इसको एक टेरिटरी दी गई होती है और वो टेरिटरी के अंदर उसको सेल्स टारगेट दिए गए होते हैं। विद इन टेरिटरी उसको परफॉर्म करना होता है, अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करके अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। टेरिटरी मैनेजर के ऊपर होते एरिया मैनेजर, जनरली टेरिटरी मैनेजर्स रिपोर्ट टू एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर हैज अ रिलेटिवली बिगर ज्योग्राफी, एरिया मैनेजर्स के पास 4, 5, 10, 15 टेरिटरीज होती है और वो नंबर ऑफ टेरिटरी मैनेजर्स वो एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। एरिया मैनेजर के ऊपर जनरली होता है डिविजनल मैनेजर, जो जनरली एक स्टेट लेवल पे होता है या तो एक बिजनेस डिविजन ज्योग्राफी वाइज जो कंपनी बनाती है वो डिविजन को हैंडल करता है। डिविजनल मैनेजर के अंडर नंबर ऑफ एरिया मैनेजर्स रहते हैं जो उसको रिपोर्ट करते हैं। डिविजनल मैनेजर वो डिवीजन के सेल्स टारगेट को लीड करता है और वो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। डिविजनल मैनेजर जनरली रिपोर्ट्स इनटू अ रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर के पास नंबर ऑफ डिविजनल मैनेजर्स रहते हैं 2, 3, 4, 5 अलग अलग स्टेट्स के, और वैसे ही रीजनल मैनेजर्स के ऊपर होते हैं नेशनल सेल्स हेड या तो CMO आजकल बोलते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर एक्सेट्रा। तो ये जनरली होती है एक सेल्स की हायरार्की जिसके अंदर आपको जॉब रोल्स मिल सकते हैं। अगर आप एमबीए करते हो, अगर आप TA1 इंस्टीट्यूट में से एमबीए करते हो, तो आप डायरेक्टली एरिया मैनेजर या तो डिवीजन मैनेजर रोल के ऊपर जाके आपको एक जॉब मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप TA2, TA3 से करते हो तो कई कबार आपको TM से चालू करना होता है एंड देन ग्रेजुअली यू कैन ग्रो, पर ये एक सेल्स हायरार्की होती है। एमबीए इन मार्केटिंग करने के बाद आपको सेल्स में काम करके इस हायरार्की में ही ग्रो होना होता है। अब हम बात करेंगे जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केटिंग डोमेन। मार्केटिंग
डोमेन में किस प्रकार की नौकरियां, किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो इज ऑल अबाउट सेलिंग अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग सेल्स, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एनेबलिंग सेल्स, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग सेल्स, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डिमांड टू सेल। मार्केटिंग जो होता है वो डिपार्टमेंट सेल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है एक डिमांड क्रिएट करने के लिए और सेल्स को एनेबल करने के लिए दोस्तों। तो मार्केटिंग में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके रोल क्या होते हैं, आपको क्या काम करना होता है, किस प्रकार के जॉब रोल्स होते हैं। वन इज सिंपल मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग असिस्टेंट मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर, बट यू गेट इन टू अ मार्केटिंग फील्ड जिधर आपको ATL, BTL या TTL एक्टिविटीज करनी होती है। ATL इज अबव द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज, BTL इज बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड TTL इज थ्रू आउट द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटी। ATL मार्केटिंग का मतलब है कि आप ऐसी कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो जिधर आप एक लार्जर पॉपुलेशन को टच बेस करने की कोशिश करते हो, एक बड़े ही टारगेट सेगमेंट को आप केटर करने की कोशिश कर रहे हो, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। ATL मार्केटिंग में बहुत हाई एंड एक्टिविटीज होती है, जैसे TV या रेडियो में एड्स करना, बड़े बड़े होर्डिंग्स में ऐड करना, डिजिटली उसको मैसिव लेवल पे उसको ड्राइव करना, ये ATL मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। BTL मार्केटिंग एक्टिविटी बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, एक लोकल एरिया में आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाना वो होता है BTL एक्टिविटी। अ लॉट ऑफ पोस्टरिंग, पैम्फलेटिंग, कैनवसिंग, कस्टमर को मिलके समझाना, हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लोकल लेवल पे डिमांड क्रिएट करना, ये होती है BTL मार्केटिंग एक्टिविटी। TTL होती है मिक्सचर ऑफ ATL एंड BTL। अगर आप एक नॉर्मल मार्केटिंग जॉब करते हो तो आपको फील्ड पे जाके आपको डिमांड क्रिएट करके सेल्स को एनेबल करना, इसे हम मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। तो आपको इस प्रकार के मार्केटिंग रोल्स में जॉब मिल सकते हैं दोस्तों आफ्टर डूइंग MBA इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में एक CRM करके एक पोजीशन होती है, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हर एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सेंट्रल टीम होती है जिसे हम CRM टीम कहते हैं। ये टीम का एक ही काम होता है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पकड़ के रखना, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना जिससे कस्टमर्स हमारे पास रिपीट हो। कस्टमर्स को फेस्टिवल सीजन्स में ग्रीटिंग्स भेजना, बर्थडे में विश करना, कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स देके उसको कुछ ऑफर या कुछ स्कीम वर्कआउट करके उसे कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम में एंगेज करना, कस्टमर को पकड़े रखने के लिए कंपनी बहुत सारी ऑफर्स और स्कीम्स निकालती है दोस्तों। ये सभी होता है CRM टीम के द्वारा। तो अगर आप MBA इन मार्केटिंग करते हो तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है। देयर आर लॉट ऑफ IT प्रोडक्ट्स, IT टूल्स का बहुत इस्तेमाल होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। तो MBA इन मार्केटिंग करने के बाद ये आपके पास स्कोप होता है। ब्रांडिंग जो एक मार्केटिंग का एक बड़ा ही मेजर एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें भी आपको रोल मिल सकता है दोस्तों। एक ब्रांड को सेंट्रल लेवल से लेके लोकल लेवल तक कैसे स्टैंडर्डाइज रखना, ब्रांड नेम को कैसे मेंटेन करना, ब्रांड नेम को कैसे रिस्पेक्टफुली ग्रो करना, ये ब्रांडिंग टीम का काम होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज और लीगलिटीज इन्वॉल्व होती है दोस्तों। MBA इन मार्केटिंग करने के बाद आपको एक ब्रांडिंग डिपार्टमेंट में भी नौकरी मिल सकती है दोस्तों। MBA इन मार्केटिंग करने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी जॉब मिल सकती है दोस्तों। आजकल डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर्स के साथ टच रखने के लिए, अपनी ब्रांड को डेवलप करने के लिए, अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ही अग्रेसिवली हर एक कंपनी इस्तेमाल करती है दोस्तों। आज की दुनिया में अगर आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्मूथली सेल करना है और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो एक डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अगेन अ प्लेटफॉर्म इन विच यू कैन गेट अ जॉब आफ्टर डूइंग MBA इन मार्केटिंग। इसमें आपको डिजिटल एस्पेक्ट्स सीखने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जिसको आपको लर्न करना पड़ता है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंडा ड्राइव करने के लिए दोस्तों। तो MBA मार्केटिंग करने के बाद ये भी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है करियर बनाने के लिए। इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं टच बेस करूंगा वो है
एडवर्टाइजिंग, आपको एडवर्टाइजिंग, हर एक कंपनी के पास एक एडवर्टाइजिंग बजट होता है, एडवर्टाइजिंग टीम में जो काम करते हैं जनरली वो एमबीए इन मार्केटिंग होते हैं दोस्तों, तो एडवर्टाइजिंग अगेन बिकम्स वन ऑफ द एस्पायरिंग डिपार्टमेंट वेयर यू कैन गेट अ जॉब आफ्टर डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग। एमबीए इन मार्केटिंग एंड सेल्स करने के बाद आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है दोस्तों। हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया। मैं आपको वापस एक पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप एमबीए मार्केटिंग करने की सोच रहे हो तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में से फुल टाइम एमबीए ही करना चाहिए दोस्तों। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर काम में आएगा। आगे मैं आपसे ऐसे यूज़फुल वीडियो शेयर करता रहूँगा। एक मैंने और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल आफ्टर डूइंग एमबीए इन एचआर। ये वीडियो को ज़रूर आप लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।